और फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे फेक, जो कि पता नहीं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ये सब बोनाफाइड वगैरह बनवाने की बातें कर रहे हैं, तो नहीं पता होता भाई। नए नए लड़के जाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये बोनाफाइड क्या होता है, कैसे बनवाना होता है, कौन बनाता है, कौन साइन करता है, कहाँ मिलता है, नहीं पता होता। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो जैसे कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने बोला था आप लोगों को कि लास्ट डेट से पहले मैं आप लोगों को कंफर्म ज़रूर कर दूंगा कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग में क्या वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका एडमिशन हो गया, अगर होंगे तो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, और ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होगा इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और दो न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका एडमिशन हो चुका है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने अपने 2019 बैच के लड़कों से बात किया तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो थर्ड राउंड में कॉलेज मिलने के बावजूद भी मॉपअप में पार्टिसिपेट किए और नए कॉलेज में गए, लाइक दूसरे अच्छे अच्छे कॉलेजों में गए। तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम। प्रोसेस क्या होता है इसका, अगर आपका एडमिशन कहीं और चल रहा है तो आपको सिंपल सा उस कॉलेज में जाना होता है और वहाँ पर आपको हॉस्टल अलॉट हुआ हो या फिर नहीं हुआ, आपको पूरे कॉलेज का एक नोटिस बनवाना होता है, लाइक हॉस्टल फीस का और आपको लाइब्रेरीज फ़ीस का और भी लैब जितने सारी चीज़ें होती है कॉलेजों में उन सब का एक नोटिस फीस बनवाना होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं होता, वो एक एप्लीकेशन पर साइन करके दे देते हैं आप लोग या फिर कॉलेज के फॉर्मेट पर वो लोग बना कर दे देते हैं कि हाँ इस बच्चे का कोई भी रुपया कॉलेज में ना बाकी है, ना जमा है, ना उधार है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो ये होता है नो ड्यूज। उसके बाद आप अपना एक एप्लीकेशन लिख कर के हमें एडमिशन कैंसिल करवाना है क्योंकि हम मॉपअप राउंड के थ्रू दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। आप ऐसा एप्लीकेशन लिखिए अपने वाइस प्रिंसिपल से को या फिर कॉलेज में किसी फैकल्टी को जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो या फिर, ठीक है, या फिर जो हेड प्रिंसिपल के थोड़ा सा नीचे होते हैं तो उनको आप लोग जाकर बात कर सकते हैं या फिर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वो आपका एडमिशन कैंसिल करके आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट वापस दे देंगे। ये हो गया प्रोसीजर कि कॉलेज में कैसे एडमिशन कैंसिल करवाना है। अब हम बात करते हैं कि मॉपअप राउंड जो ऑफलाइन होगा वहाँ पर क्या होता है। तो वहाँ पर आप लोगों को 2, 3, 4, 5 हज़ार लड़के जाएंगे उस दिन 17 तारीख से, ठीक है। तो होता है कि अगर एक दिन में अगर नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों का तो अगले दिन तक कर दिया जाता है, क्योंकि वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा कि 17 तारीख से प्रारंभ है। प्रारंभ का मतलब कि वो ख़त्म कब होगा उन्हें भी नहीं पता, वो लड़कों की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होता है। तो जैसे कि वहाँ पर आप लोग को रैंक के अनुसार, रैंक कार्ड तो आ जाएगा 14 फरवरी को। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होता है, तो वो होता है BCC ऑफिस में, आपको वहाँ पर बैठा के रैंक वाइज आप लोग को बुलाया जाता है और आप लोगों से पूछा जाता है कि आपको इन सभी कॉलेज में जो सीटें खाली हैं और इतने सारे ब्रांच हैं तो आपको कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच चाहिए, और आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि मुझे ये वाला कॉलेज का ये वाला ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को वैसे कॉलेज डायरेक्टली अलॉट हो जाता है, आपको चॉइस फिलिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो नहीं करना पड़ता ऑफलाइन काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ऑफलाइन काउंसलिंग करने का वहाँ पर BCC बोर्ड जो पटना में है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और कि अगर आप लोग जा रहे हैं ऑफलाइन काउंसलिंग कराने, तो 2019 में मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई रात की 10-11 बज गए थे काउंसलिंग कराते कराते। तो प्लीज़ जब भी आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएँ तो अपना व्यवस्था लेकर जाएँ ताकि वहाँ पर रुकना पड़े तो आप लोग कहाँ रुकिएगा, होटल का या फिर किसी फ्रेंड के पास, इस टाइप का कोई बैकअप लेकर जरूर जाएँ अपने काउंसलिंग कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर लेट होता ही है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग होते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, तो सबका पहले तो एप्लीकेशन फिलअप करना होता है कुछ कुछ, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होता है। जैसे फिल्मों में आपने देखी होगी ना, ये बोली लगता है किसी मकान का, ठीक है, उसी तरह से होता है, नीलामी की जाती है एक तरह से सीटों की, रैंक 1 नंबर आप आइए, 2 नंबर आइए, इस टाइप से कुछ होता है वहाँ पर माहौल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होता है। और आज 10 बजे रात को, उससे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मॉपअप राउंड में। तो उसके बाद 4 बजे से पहले अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं चालान के थ्रू, तो आप 4 बजे से पहले कर सकते हैं और कल 12 फरवरी तक आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेन, अगर आज आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 10 बजे से पहले ज़रूर कर लें। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट कर लेंगे मॉपअप राउंड में, या फिर अगर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे तो सीटें खाली रह जाएंगी, हमें नहीं मिल पाएगा, या फिर सीटें जल्दी भर जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मॉपअप राउंड में होने के बाद भी अगर सीटें ज़्यादा खाली रह जाती हैं
तो मॉपअप राउंड का सेकेंड राउंड भी आता है, ठीक है, आप लोग जाके मेडिकल का देख सकते हैं, हम उसका सेकेंड मॉपअप राउंड हो रहा है अभी। क्यों हो रहा है? इसी की वजह से, क्योंकि लड़कों ने अपग्रेड कराया और सीटें फिर से खाली हो गई जिनका एडमिशन हो चुका था थर्ड राउंड में, तो उनके जगह पर फिर से मॉपअप राउंड चल रहा है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये एक गुड न्यूज़ था उनके लिए जो सोच रहे थे कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो सीटें जल्दी भर जाएंगी, फिर हमें सीटें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर अगर जो लोग एडमिशन ले चुके हैं अगर उनको भी मॉपअप राउंड के थ्रू कॉलेज मिल गया तो उनका भी एक और रिजर्व सीट उनका चला गया और मॉपअप के थ्रू भी एक सीट चला गया उनके हाथ में, तो वो तो दो सीटें ले जाएंगे ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो BCC बोर्ड हैंडल कर लेता है, उन लोगों को पता है कि ज़्यादा सीटें खाली होंगी तो फिर से मॉपअप राउंड किया जाएगा, क्योंकि उन्हें तो सीट भरने से मतलब है और सीट भरने के लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना वो लोग करें। ठीक है, तो ये बात हो गई, आप लोग एकदम साफ साफ समझ में आ रहा होगा आई होप। तो और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोगों को कॉलेज में जाना होता है, सिंपल सा नोटिस बनवाइए और डिसिप्लिन सारा अपना डॉक्यूमेंट्स लीजिए, रिसिप्ट लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, और चले जाइए नए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल प्रोसेस था कि काउंसलिंग मॉपअप राउंड का कैसे होता है, कॉलेज में कैसे एडमिशन कैंसिल करवाना होता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने वादे के अनुसार ये वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आज 10 बजे रात से पहले आप लोगों को पार्टिसिपेट कर लेना अगर आप चाहते हैं मॉपअप राउंड में जाना तो, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने कॉलेज से खुश नहीं हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि यार इससे भी बेटर कॉलेज या फिर बेटर ब्रांच मिल जाता तो उन्हें और अच्छा लगता है, क्योंकि 4 साल बिताने होते हैं हमें कॉलेजों में, एक दिन 2 दिन की बात नहीं होती, पूरे के पूरे 4 साल बिताने होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी को कोई अच्छा कॉलेज या फिर अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाया हो गलती से तो वो लोगों को कितना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मॉपअप राउंड के थ्रू अच्छे अच्छे कॉलेजों में रैंक मिलते हैं, इस बार का रैंक आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कौन कौन सा कॉलेज मिलने जा रहा है मॉपअप राउंड के थ्रू। ठीक है, तो हम वेट करते हैं कि कब तक आता है, 14 फरवरी तक आ जाएगा। ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन आ जाएगा आप लोगों का रैंक कार्ड, तो आप लोग उसे पता कर सकते हैं कि आपके हाथ में कौन सा कॉलेज आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक को लेकर तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आप फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सब चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप हमसे कॉल से बात करना चाहते हैं तो कॉल भी आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि अपनी तरफ से जितनी सारी अच्छी कोशिशें हो सके वो मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियो में और नए अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल के साथ बने रहे ऐसे ही कुछ नए नए अपडेट के साथ। और फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे फेक, जो कि पता नहीं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ये सब बोनाफाइड वगैरह बनवाने की बातें कर रहे हैं, तो नहीं पता होता भाई, नए नए लड़के जाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये बोनाफाइड क्या होता है, कैसे बनवाना होता है, कौन बनाता है, कौन साइन करता है, कहाँ मिलता है, नहीं पता होता है। तो सिंपल सी बातों में होता है कि आप एप्लीकेशन लिखिए, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को लेकर दे दीजिए, वो सारा कुछ आपको कर देंगे, वो भी नहीं करते हैं तो आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं कॉलेजों में ये सब काम करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।